नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और ढेर सारे डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सम की संख्या में फंदे चाहिए, तो आप दो के मल्टीपल कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है, और सामने से बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो दूसरे रंग का ऊन अटैच कर लेंगे और पहला फंदा सीधा बना लेंगे। अब देखिए, अगला फंदा जो है हमें एक लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालना है और एक लूप निकालना है। अब नेक्स्ट फंदे को, जिसके नीचे से हमने ये लूप निकाला है, उसे स्लिप कर लेंगे। अब हमें इस फंदे को बुनना नहीं है, बल्कि इसके और अगले फंदे के बीच में जो स्पेस है, तो एक लाइन नीचे हम आएंगे। ये जो धागा दिख रहा है, इस धागे के नीचे हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, और फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे। अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसके बाद वाले, देखिए दो फंदे के बीच में जो जगह है, तो एक लाइन नीचे, ये जो धागा गया है इसके नीचे हमें सिलाई डालना है और एक लूप निकाल लेंगे, और उसके बाद इस फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। फिर से देखिए, नेक्स्ट फंदा है, ये सीधा फंदा गया है, इसको हमें बुनना नहीं है, इसके और इसके बाद वाले फंदे, यानी इन दो फंदों के बीच में जो स्पेस है, उसमें एक लाइन नीचे, ये एक धागा गया है, इस धागे के हमें नीचे ऐसे सिलाई डालना है और एक लूप निकालना है, और फिर इस फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। फिर से देखिए, इस दो फंदे के बीच में एक लाइन नीचे हम आएंगे और एक लूप निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। अगले दो फंदे के बीच में एक लाइन नीचे हमें सिलाई डालना है और एक लूप निकाल लेना है, फिर नेक्स्ट फंदे को स्लिप कर लेना है। इसी तरह हमें सभी फंदों के साथ करना है। हम कोई भी फंदा नहीं बुनना है, फंदे के बगल में एक लाइन नीचे सिलाई डाल के एक लूप निकाल रहे हैं और फिर उस फंदे को स्लिप कर ले रहे हैं। किसी भी फंदे को हमने बुना नहीं है, फंदे के बाद एक लाइन नीचे सिलाई डाल रहे हैं, एक लूप निकाल रहे हैं और उसके बाद फंदे को स्लिप कर ले रहे हैं। फंदे, दो फंदे के बीच में जो जगह है, फंदे के बाद एक लाइन नीचे हम सिलाई डाल रहे हैं, एक लूप निकालना है और उसके बाद फंदे को स्लिप कर लेना है। ऐसे ही करते हुए पूरी सिलाई बुन ली जाएगी। और लास्ट फंदे को, इसे हम सीधा बुन लेंगे। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड। पहला फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे और फिर दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते जाएंगे। दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते जाएंगे। स्लिप किया हुआ फंदा और एक लूप, दो को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। स्लिप किया हुआ फंदा लेंगे और लूप लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हाथ हम थोड़ा ढीला चलाएंगे, हाथ हमको
टाइट नहीं चलाना है। और लास्ट में एक फंदा आएगा, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, सॉरी थर्ड रो और फ्रंट साइड। अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे पहला फंदा सीधा और दूसरे फंदे के एक लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे और फिर दूसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, दोनों फंदों के बीच में एक लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और उसके बाद दूसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे। अगले दो फंदे के बीच में एक लाइन नीचे, ये जो हमारा ये धागा है इसके नीचे हमें सिलाई डालना है, एक लूप निकालना है और उसके बाद इस फंदे को स्लिप कर लेना है जिसके आगे से हमने लूप निकाला है। लूप हम थोड़ा ढीला रखेंगे। बेसिकली हमें पहला रो ही रिपीट करना है, बस हमें उनका कलर बदल देना है। यानी ये ऊन से दो लाइन बुनने के बाद अगला दो लाइन हमें दूसरे रंग के ऊन से बनाना होगा। दो फंदे के बीच में एक लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उसके बाद इस फंदे को स्लिप कर देंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और फिर लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को लेते जाएंगे, एक ये स्लिप किया हुआ फंदा और एक ये लूप। दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते चले जाएंगे। दो फंदों को एक साथ लिया और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लिया। दो फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लिया। दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। और लास्ट में एक फंदा आएगा जिसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट सीधी लाइन हम अपने दूसरे रंग के ऊन से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।